दो शहर के कई इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। हटिया ग्रिड में मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिस कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, लिहाजा राजधानी के कई इलाकों के लोगों को करीब 7 से 8 घंटे तक के पावर कट के कारण परेशान होना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है इस परेशानी का। रांची वालों हो जाओ सावधान, राजधानी को रुलाएगी बिजली, पावर कट बढ़ाएगी परेशानी। राजधानी वासियों के लिए मंगलवार का दिन मुश्किलों से भरा हो सकता है। रांची के कई इलाकों में करीब 7 से 8 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रह सकती है। दरअसल हटिया ग्रिड 1 में मंगलवार को अपग्रेडेशन का काम होगा। इस दौरान सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक कांके, धुरवा, मेकॉन, सेल सिटी, डिबडीह, तुपुदाना, सेवा सदन जैसे कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप रहेगी। सुदृढ़ीकरण के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं जिसमें हटिया ग्रिड से पावर बंद होगा। हटिया ग्रिड से हमारे जितने भी विद्युत उपकेंद्र हैं जैसे रातू, पिस्का मोड़, राजभवन, अशोक नगर, कुसई, तो ये सब में बिजली प्रभावित रहेगी। हटिया ग्रिड में मेंटेनेंस का काम काफी दिनों से चल रहा है जिसकी टाइमलाइन इस साल के दिसंबर तक है, लिहाजा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मंगलवार को मेंटेनेंस के कारण जहां कई फीडर ग्रिड प्रभावित होंगे वहीं कई फीडर में वैकल्पिक बिजली आपूर्ति भी दी जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम इलाकों में ही मुमकिन हो पाएगा। जो मोस्टली स्कीम्स खत्म हो गए हैं, जैसे अभी हमारा जस्बे 1 जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का काम है, जस्बे 1 में उसमें काम चल रहा है, अलॉट हुआ है, उसका टाइमलाइन अभी 2020 दिसंबर 2020 है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके पहले हम लोग उसको खत्म करें। फिलहाल पावर कट को देखते हुए परेशानी को कम करने के लिए लोगों को पहले से ही तैयार रहना होगा। पानी की टंकी पहले से ही भर कर रख लें, विद्युत उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक वगैरह पहले से फुल चार्ज कर लें। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।